हम सब यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो अभी चार दिन पहले 10 आतंकवादी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से पकड़े गए हैं, उसके विषय में जो ये बार बार कहा जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली आतंकवादियों का गढ़ बन चुकी है, उसके विरोध में हम ये आए हैं कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जितने भी आतंकवादी और छुपे हुए हैं, डीसीपी साहब से हम मांग कर रहे हैं कि घर घर तलाशी लेके सभी छुपे हुए आतंकियों को उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बाहर निकाला जाए और हम सब उत्तरी पूर्वी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को और दिल्ली वासियों को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। सर, जिस तरह से हिंदू फ्रंट की तरफ से मांग की जा रही है, तो अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी और आगे फिर क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मांगी मानी गई तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन ये नहीं है कि आज हम पहली बार कर रहे हैं, लगभग 10 से 12 साल पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट करके ज्ञापन देके सरकार से मांग कर चुके हैं कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में घर घर तलाशी ली जाए ताकि यहाँ पे जो भी आतंकवादी छुपे हैं वो यहाँ से बाहर निकाले जाएं।